हेलो दोस्तों, मैं दीप्ति आपके लिए लेकर आई हूँ रोचक तथ्यों की फिर वही दुनिया, जिसमें आप अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल या इससे जुड़ी जानकारियाँ अच्छी लगें तो चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे और जानकारियाँ आपको ज़रूर मिल पाएँ। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको रोचक तथ्यों के साथ एजुकेशन से जुड़े विषय जैसे NCERT की किताबें जो सभी बच्चों तक नहीं पहुँच पाती हैं उनके विषय में भी जानकारी दे रहे हैं। पिछली कड़ियों में ज्योग्राफी की NCERT की कक्षा 6 के सभी चैप्टर्स आपके लिए हम लेकर आए थे और फिलहाल क्लास 7th के चैप्टर्स के वीडियोस भी अपलोड किए जा रहे हैं, तो हमारे पुराने वीडियोस पे जाइए और उन्हें भी चेक कीजिए। तो हमें ज़रूर अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए कि ये चैनल आपको कैसा लग रहा है, साथ ही साथ आपके सुझावों का भी हम स्वागत करते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की रोचक तथ्यों की कड़ी की। मैं आपको आज नींद से जुड़ी कुछ जानकारियां दे रही हूं, तो आइए देखते हैं। सोने से पहले देर रात तक टीवी देखना भले ही आपके लिए मनोरंजन का सबसे आसान तरीका हो, पर इससे आपकी नींद को बहुत नुकसान होता है। ऐसा मानना है जापान के ओसाका विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का। उन्होंने अपने शोध के आधार पर ये माना है कि जो लोग सोने से पहले देर तक टीवी देखते हैं उन्हें अच्छी और गहरी नींद नहीं आती और आगे चलकर उन्हें अनिद्रा की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग समय की कमी के कारण सोने से पहले ही वर्कआउट करते हैं जो उनकी नींद के लिए ठीक नहीं होता। वर्कआउट करने से मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में आप घंटों काम तो कर सकते हैं पर चैन की नींद नहीं पा सकते। कई बार खाने के बाद या देर रात में आप कॉफ़ी पीना भी हमारी आदत में शामिल होता है, लेकिन वो भी हमारी नींद के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। कॉफ़ी में मौजूद कैफीन आपको 6 घंटे से अधिक समय तक जगाए रखता है, और अगर कॉफ़ी पीने का फिर भी आपको शौक है तो सोने से 6 घंटे पहले कॉफ़ी पिएं, ना कि देर रात में। सोने से पहले खाली समय में कंप्यूटर या मोबाइल पर गेम्स खेलने की आदत कई बार आपकी नींद की दुश्मन हो जाती है। वीडियो गेम्स खेलने के दौरान आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है और आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इससे शरीर का तनाव और बढ़ जाता है और नींद नहीं आती। तो दोस्तों, नींद सबको प्यारी होती है। अगर आप चैन से और प्यारी सी नींद में खोना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। और अब आज की कड़ी में आपको बता रही हूँ कुछ रहस्यमय भारतीय धार्मिक स्थान जिन्हें आप जानकर आश्चर्य ज़रूर करेंगे। तो आइए देखते हैं। दक्षिण मुख नंदी तीर्थ कल्याणी क्षेत्र मंदिर। जी हाँ, ये मंदिर साल 1997 में कंडू मलेश्वर मंदिर के पास इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। उत्तर समय कारीगरों को नंदी की एक मूर्ति मिली और स्थानीय लोगों ने भारतीय पुरातत्व विभाग को इस बात की जानकारी दी, तो उन्होंने आगे की खुदाई शुरू की। पुरातत्व विभाग ने पुष्टि की कि ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है। मंदिर के परिसर में शिवलिंग के साथ नंदी की मूर्ति और एक तालाब भी है। जब पुरातत्व विभाग के लोगों ने नंदी का मुख साफ किया तो वो हैरान रह गए। उसमें से लगातार पानी का झरना निकल रहा था और जब नीचे की ज़मीन को साफ किया गया तो पता चला कि पानी शिवलिंग पर गिर रहा है और मंदिर परिसर के बीच कल्याणी तालाब से मिल रहा है। नंदी के मुख से आते पानी का मूल किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये एक भूमिगत पानी की प्रणाली से निकलता है, लेकिन इस बात का किसी के पास कोई सबूत नहीं है और यही बात इस मंदिर को रहस्यमयी बनाती है। तो दोस्तों, आज की कड़ी यहीं तक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।